मार्क जुकरबर्गी से बड़ा जालसाज और फरेबी इंसान मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। पहले तो कॉलेज में पढ़ते पढ़ते तूने वो विंकल वॉस ब्रदर्स को मछली की तरह अपने जाल में फंसाया और उनका ही जो आइडिया था फेसबुक उसको चेप मारा, लेकिन तब भी तेरा पेट नहीं भरा। उसके बाद तूने क्या किया, तूने इंस्टाग्राम शुरू किया, लोगों को कहा तूने कि इस पे फोटोज डालो, और उसके बाद तूने क्या किया, तूने देखा ये नया ऐप कौन सा है, टिकटॉक। तूने टिकटॉक का आइडिया चुरा लिया, तूने टिकटॉक से जो वीडियोस थे उनका नाम चेंज करके उसको रख दिया रील। अबे अजगर और एनाकोंडा होते हैं ना, वो भी अपने शिकार को निगलने के बाद एक महीना आराम करते हैं, लेकिन इसके अंदर का जो डकैत है ना वो हिचकोले खा रहा था। तो इसकी नजर गई इलोन मस्क पे, इलोन मस्क का देखा इसने ट्विटर, और वही सेम सुई में धागा डाल के जैसे मैंने बाकियों को अपने जाल में पिरोया है ना, ये ट्विटर को भी अपने जाल में फंसा लेता हूँ। और अब एक दो दिन से उसका भी ड्रामा शुरू कर दिया, इंस्टाग्राम पे लोगों को बोल लग गया है थ्रेड्स डाउनलोड करो थ्रेड्स, लोग भी बोल रहे हैं थ्रेड्स क्या होता है, सबने डाउनलोड कर लिया, पता किसी को नहीं है क्या करना है उसपे, है कहानियां बुनेंगे लोग, कहानियां बुनेंगे। अब जब भी आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाते हैं तो जेल के कैदी जैसा जो नंबर होता है ना 3222255, अब वो आपके प्रोफाइल पे नजर आता है, क्योंकि जो इंस्टाग्राम की जो जेल है ना इसके हम सब कैदी बन गए हैं। बेटा जुकरबर्गी ये बात याद रखियो, किस दिन ये ट्विटर स्नैपचैट ये टिकटॉक इन सबका दिमाग घूम गया ना बेटा, इतने छित्तड़ पड़ेंगे ना पिछवाड़े पे, बेटा ढुई लाल हो जाएगी तेरी, ठीक है। और तेरे पास इतना बेशुमार पैसा है फिर भी तू लोगों का पैसा हड़पता रहता है, तू भाई कितना बड़ा वाला चोर है।